एवरीवन, मेरा नाम रजनी गुप्ता है। मेरा जन्म स्थान चंबा में है और मेरी शादी कोटा में हुई थी। मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड, मेरे दो बेटे और फादर इन लॉ हैं। आज मैं आपके साथ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। बचपन से ही भक्ति मार्ग से जुड़ी हुई थी। मंदिर जाना, भजन कीर्तन करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। शादी हुई, उसके बाद एटमोसफेयर चेंज हुआ, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आई। ऐसा नहीं था कि इन लॉज में भक्ति नहीं थी, सभी लोग गुरु नाम शरणम से जुड़े हुए थे। मुझे भी अमृतवाणी सुनना और पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता था। बच्चे हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी, उनके लालन पोषण के बाद मैं भक्ति में बहुत कम ध्यान दे पाई, भक्ति लगभग छूट ही गई। 2016 में मैं चंबा आई, मेरे फादर इन लॉ मेरे साथ थे। मेरी भाभी रजनी, जो कि गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी हुई थी, उन्होंने मुझे इस डिवाइन ग्रुप के बारे में बताया और हमें नितिन भैया, जो कि गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर को फाउंडर हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई। तो पापा के साथ उनकी डिवाइन टॉपिक्स पे काफी बात हुई, मैं भी वही थी। मुझे भी सुनकर बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिविटी आई। उसके बाद नितिन भैया ने पापा को माला, चैंटिंग बॉक्स ये चीजें दी। हमारे घर में चैंटिंग बॉक्स पापा हर वक्त लगा के रखते थे और वो माला भी करते थे। इससे हमारे घर में पॉजिटिविटी आई, बहुत सारे चेंजेस आए और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो मैं भी व्हाट्सएप ग्रुप में गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ गई। इस ग्रुप में जुड़ने के बाद मुझे पता चला कि भागवत गीता जो है स्काइप के थ्रू पढ़ाई जाती है, मेरे भैया भाभी, मेरी सिस्टर्स सब स्काइप के थ्रू गीता पढ़ रहे थे। मुझे भी निखिल जी के साथ, जो कि इस ग्रुप के फाउंडर हैं और ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उनके साथ मुझे पढ़ने का मौका मिला। भागवत गीता की रीडिंग करने के बाद मेरे में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए। सबसे पहला तो जो टीवी मैं बहुत ज्यादा देखती थी वो देखना छूट गया। अकेलेपन, जिससे मैं बहुत घबराती थी, वो बहुत ही कम हो गया। सो मैनी पॉजिटिव चेंजेस आए। और सबसे बड़ा पॉजिटिव चेंज ये आया कि हमारा रिलेशंस बहुत स्ट्रांग हुए। पहले हम सब भाई बहन 15 महीने में कभी कभार बात होती थी, वो भी फालतू के टॉपिक्स, इधर उधर की बातें, वो सब करते थे। बट अब हमारे पास डिवाइन टॉपिक्स होता है और हम कॉन्फ्रेंस पे बात करते हैं और बहुत ही आनंद आता है। एक दूसरे की लर्निंग्स सुनते हैं, एक दूसरे के एक्सपीरियंस सुनते हैं, तो बहुत ही आनंद आता है। और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं जाना नहीं है, घर बैठे ही, कहीं जाने की जरूरत नहीं है और अकेलापन भी अब फील नहीं होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि पहले मैं सोचती थी कि पूजा पाठ केवल मंदिर में बैठ के नहा धो के तभी किया जाता है, बट अब मेरी सोच बदल गई है। अब मुझे पता लगा कि पूजा पाठ तो आप कहीं भी, कैसे भी बैठ के, किसी भी कंडीशन में आराम से कर सकते हो, कि भगवान का नाम जाप आप किसी भी तरह से कैसे भी ले सकते हो। अंत में मैं भगवान कृष्णा का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे अपने साथ जुड़ने का मौका दिया, और निखिल जी का, नितिन जी का, प्रीति जी का और भाभी रजनी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस डिवाइन ग्रुप से जोड़कर मुझे भक्ति मार्ग पे चलने का रास्ता दिखाया। फ्रेंड्स, मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप भी किसी न किसी तरह भगवान से जुड़िए, अपने जीवन को आनंद में और पॉजिटिव बनाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बिजी टू द बॉडी फ्री द सोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।